अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आप लोग के ट्वेल्थ क्लास के केकेशरा बुक का चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है हम नहीं जानते। ठीक है, और इस ये जो चैप्टर है ये एक नज्म है यानी कि कविता है। ठीक है, और इस चैप्टर के राइटर यानी कि मुसन्निफ़ है योजिनो मोंताले। मुसन्निफ़ का क्या नाम है? योजिनो मोंताले। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो हम नहीं जानते नाम का ये जो नज्म है, कविता है, ये इतालवी ज़ुबान में लिखा गया था। योजिनो मोंताले जो है ना, इन्होंने इस कविता को इतालवी ज़ुबान यानी कि इटैलियन भाषा में लिखे थे, और इतालवी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान में, उर्दू भाषा में ट्रांसलेट करने का काम, तर्जुमा करने का काम जाहिदा जैदी ने किया है। ठीक है, इसीलिए ये ट्रांसलेटर हो गए हैं यानी कि मुतर्जिम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर कर दूँ। हम नहीं जानते नाम का ये जो नज्म है, कविता है, इसके लिखने वाले कौन है, मुसन्निफ़ कौन है, तो वो है योजिनो मोंताले। हम नहीं जानते नज्म ये किस ज़ुबान की नज्म है, तो इतालवी ज़ुबान की। ठीक है, हम नहीं जानते नज्म के को उर्दू में ट्रांसलेट, उर्दू में तर्जुमा करने का काम किसने किया है, तो जाहिदा जैदी ने। तो जाहिदा जैदी क्या हो गए? मुतर्जिम हो गए, यानी कि ट्रांसलेटर कहलाएंगे। ठीक है, और जो आप लोगों के बुक में दिया है हम नहीं जानते नाम का नज्म ये कविता, वो भी उर्दू में ट्रांसलेट कर ही ना दिया है, तो वो क्या है? तर्जुमा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को दो लोगों के बारे में पढ़ना है। एक तो मुसन्निफ़ है यानी कि राइटर है, और एक ट्रांसलेटर है। तो इन दोनों के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले योजिनो मोंताले के बारे में जानिए। योजिनो मोंताले जो है ना, वो 20वीं सदी के शायर हैं। ठीक है, जिनकी पैदाइश 1896 को जिनेवा में हुई है। ठीक है, 1915 में महज 19 साल की उम्र में योजिनो मोंताले जो हैं, उनका पहला शेरी मजमुआ यानी कि उनका पहला शेर व शायरी का किताब प्रकाशित किया गया। ठीक है, और 1975 में उन्हें नोबल इनाम से नवाजा गया। योजिनो मोंताले को कब नोबल इनाम मिला, नोबल प्राइज़ मिला? तो 1975 ईस्वी को। ठीक है, ये याद रखना है। अब ज़रा जाहिदा जैदी के बारे में जान लीजिए। ये शायर भी हैं, तनकीद निगार भी है, और ड्रामा निगार भी है। ये तीनों हैं, याद रखिएगा। तनकीद अब पूछिएगा मत कि किसे कहते हैं, मैं आप लोगों को बार बार बताई हूँ। शायर तो आप लोग जानते ही हैं, ड्रामा लिखना को, ड्रामा जो लिखता है उसको ड्रामा निगार कहते हैं। ठीक है, और जो तनकीद लिखता है उसको तनकीद निगार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जाहिदा जैदी के कुछ शेरी मजमूए भी हैं यानी कि शेर व शायरी का किताब भी है। आप लोगों के बुक में नाम दिया है, जैसे कि जहर हयात, धरती काम्स, और संग जान। ठीक, संग जान। ठीक है, और ड्रामों का मजमूआ यानी कि ड्रामों का किताब भी इन्होंने लिखा है, जिसका नाम है दूसरा कमरा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का योजिनो मोंताले और जाहिदा जैदी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए ज़रा हम इस चैप्टर को, इस नज़्म का मैं खुलासा कर देती हूँ। तो इस नज़्म में योजिनो मोंताले यानी कि जो मुसन्निफ़ है, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। मुस्तकबिल मतलब समझते हैं भविष्य, फ्यूचर, आने वाले कल को ही हम मुस्तकबिल कहते हैं। ठीक है, तो वो अपने मुस्तकबिल, आने वाले कल के बारे में सोच कर ये नज़्म लिखे हैं हम नहीं जानते। ठीक है, और इस नज़्म में, इस कविता में वो यही चीज़ बता रहे हैं कि हम नहीं जानते कि जो हमारा आने वाला कल है, हमारा जो भविष्य है, वो कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, हमारा जो भविष्य है वो गम में डूबा होगा कि खुशियों से भरा होगा, ये हम नहीं जानते। ठीक है, ये सारी चीज़ें योजिनो मोंताले इस नज़्म में बताए हैं, और इसीलिए इस नज़्म, इस कविता का वो टाइटल दे दिए हम नहीं जानते। और ये सही बात है, इट इज़ ट्रू। हम लोग जो है नहीं जानते कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो कैसा होगा, कोई नहीं जानता। Nobody knows what will be like our future. ठीक है, तो इसीलिए मतलब इस नज़्म, इस कविता का वो टाइटल दे दिए हम नहीं जानते। और फिर इस नज़्म में ये चीज़ भी बताए हैं, चलो हम नहीं जानते कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो कैसा होगा, लेकिन हमारे अंदर एक उम्मीद होनी चाहिए जिसके सहारे इंसान अपनी ज़िंदगी को जी पाए। ठीक है, और इसीलिए योजिनो मोंताले अपने अंदर एक उम्मीद जगा रहे हैं, जिसके सहारे, जिसके ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी को जी सकें। ठीक है, और इस दुनिया में जितने भी इंसान होते हैं ना, वो किसी ना किसी उम्मीद के ज़रिए ही जी पाते हैं। ठीक है, आप लोग जो हैं, आप लोग ट्वेल्थ क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद है कि जो हमारा ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम होगा उसमें मेरा अच्छा मार्क्स आएगा। इसी उम्मीद के ज़रिए ना आप ट्वेल्थ क्लास की तैयारी कर रहे हैं, और एक तरह से आप अपनी ज़िंदगी को जी पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी इस दुनिया में इंसान होते हैं, उनके अंदर एक उम्मीद होती है, और उसी उम्मीद के ज़रिए जो है वो अपनी ज़िंदगी को जी पाते हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें जो है वो योजिनो मोंताले इस नज़्म में बताए हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 17 का खुलासा कंप्लीट। अब चलिए ज़रा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। मैं निकाल लेती हूँ आप लोगों का।
आप लोगों का सवाल स्टार्ट होता है, आप बताएं इसे। सबसे पहला सवाल है, यूजिनो मोंटाले किस सदी के शायर हैं? ठीक है, तो यूजिनो जो मोंटाले हैं वो 20वीं सदी के शायर हैं। ये हो गया आप लोगों का आंसर। दूसरा सवाल है, उनका पहला शेरी मजमुआ कब शाई हुआ? यूजिनो मोंटाले का पहला शेरी मजमुआ यानी कि शेर व शायरी का किताब कब प्रकाशित हुआ? तो देखिए, मैं लिखी थी 1915 में, महज 19 साल की उम्र में। जब यूजिनो मोंटाले 19 साल के थे तो उनका पहला शेरी मजमुआ शेर व शायरी का किताब प्रकाशित किया गया। ठीक है, तीसरा सवाल है, शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़ुबान से किया गया है? ये जो नज़्म है हम नहीं जानते, इसका जो ट्रांसलेट किया गया है किस ज़ुबान से ट्रांसलेट किया गया है? तो इतालवी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो चलिए, चार नंबर सवाल है, नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया है? ये जो नज़्म है, कविता है हम नहीं जानते, इस नज़्म को उर्दू में ट्रांसलेट कौन किया है? तो वो किए हैं ज़ाहिदा ज़ैदी ने। ठीक है, पांच नंबर सवाल है, जिनसे तराशा गया किस्सा जिंदगी का बदन, क्या यह मिसरा नज़्म हम नहीं जानते से माखूज है? तो जी बिल्कुल, ये जो मिसरा है, जिनसे तराशा गया किस्सा जिंदगी का बदन, ये जो है, ये लाइन हम नहीं जानते के इस नज़्म में है, इस कविता में है। ठीक है, छः नंबर सवाल है, यह नज़्म किस हैईत में लिखी गई है? ठीक है, तो ये जो नज़्म है ये आज़ाद नज़्म है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि इसमें मतलब इतना मिसरा इतना लाइन में ये नज़्म होना चाहिए, कविता होना चाहिए, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, ये एक आज़ाद नज़्म है। ठीक है, सात नंबर सवाल है, इस नज़्म में किसके आहंग और खामोश सरगम को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है? तो वह है उम्मीद। ठीक है, उम्मीद जो है वो शायर जो है अपने साथ लेकर जाना चाहता है, क्योंकि उम्मीद के वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी को जीता है। ठीक है, आठ नंबर सवाल है, मोंटाले इस नज़्म में किसकी गूंज नहा खाना दिल में बाकी रहने की बात करता है? तो वो है समुंदर की गूंज। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 17 क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो कुछ भी मैं समझाई आप लोगों को समझ में आया, तो लाइक और शेयर तो बनता है, वीडियो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास, अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।